आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, आप इसमें मैंने पूछा कि एक व्यक्ति नाव से नदी पार कर रहा है, यदि वह न्यूनतम समय में नदी पार करता है तो वह 10 मिनट लेता है तथा बहाव की दिशा में 120 मीटर विस्थापित होता है। यदि वह नदी न्यूनतम दूरी में तय करके पार करता है तो वह 12.5 मिनट लेता है। यह मानते हुए कि बी विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि नदी का सापेक्ष वेग वी आर ज्यादा है किससे, वी आर से, तो ज्ञात करें नदी की चौड़ाई, नाव में जल का सापेक्ष वेग और जल प्रवाह की चाल। तो दो कंडीशन है आपके पास, एक तो न्यूनतम समय की और एक न्यूनतम दूरी की, ठीक है ना। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। आपके पास पहला तो है न्यूनतम समय, न्यूनतम समय, ठीक है। तो न्यूनतम समय की बात करें तो आपका जो जनरल केस है, सपोज करिए इस प्रकार से, जैसे ये नदी होगी आपके पास, है ना, और इसकी चौड़ाई बोल देते अपन डी है। नदी की चौड़ाई कितनी, डी, और आपके पास जो आदमी है आपके पास, यहाँ से ऊर्ध्वाधर से इस तरह से बोल देते हैं, ये जो आपके पास नदी के सापेक्ष देखे, इस वेग से नदी में कूद जाता है। वेलोसिटी ऑफ मैन, आदमी का वेग है किसके सापेक्ष, नदी के सापेक्ष, ठीक है। तो क्या होगा, और ये एंगल बोल दिया अपने थीटा, ठीक। तो इसका एक घटक वी एम आर कॉस थीटा इधर होगा जो इसको नदी पार करवाएगा, ठीक है ना, और इधर क्या होगा वी एम आर साइन थीटा, वो जो नदी का वेग है वो वी आर इस प्रकार से। तो न्यूनतम समय की बात करें कि आपको न्यूनतम समय दे रखा है 10 मिनट, तो न्यूनतम समय कब लगेगा उसको, जब आपका थीटा का मान क्या होता है 0 डिग्री, है ना। न्यूनतम समय की बात करें तो आपका थीटा का मान 0 डिग्री, यानी कि आदमी इसी दिशा में कूद जाता है, वी एम आर, है ना, इसी दिशा में कूद जाता है और वी आर आपका इधर है सही, ठीक है। तो ये बोला कि जब न्यूनतम समय की बात होती है तो इसका जो विस्थापन होता है वो कितना दे रखा आपको, बाहु की दिशा में 120 मीटर, यानी कि यहाँ पर देखें तो आदमी कुछ इनका जो परिणामी वेग होगा इधर होगा, है ना, और आगे जाके कहीं नदी पे वो क्रॉस करेगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी आपको दे रखी कितनी, 120 मीटर, है ना, ठीक है। नदी में भी देखें अगर इस वाले को न्यूनतम समय के लिए, तो आदमी कहीं यहाँ पर पहुंच रहा है जो उसकी वास्तविक पोजिशन से 120 मीटर चलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें 120 मीटर और समय, आपके पास समय कितना लगा 10 मिनट, तो आपके पास पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, और इधर जो वेग होगा आपके पास वो होगा वी एम, है ना, तो यानी कि आप समय लग रहा है कितना 10 मिनट, तो समय क्या होता है आपके पास दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी आपके पास डी, और चाल कितनी दिशा में वी एम आर, ठीक है, और किसके बराबर दे रखा है 10 के बराबर, तो यहाँ से कह सकते हैं तो डी की वैल्यू है वो कितनी होगी 10 वी एम आर, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये होगी, और दूसरे की बात करते हैं कि 120 मीटर दूर चला गया वो, तो इसको क्षैतिज दिशा में चलाएगा कौन, वी आर घटक चलाएगा, है ना, तो वी आर घटक चलाएगा, तो आपके पास जो दूरी आ रही है 120 मीटर किसके बराबर होगी, वी आर इंटू समय कितना आपके पास, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय दे रखा 10 मिनट, तो आपका वी आर कितना हो जाएगा यहाँ से 12 मीटर प्रति मिनट, ठीक है ना, प्रति मिनट। तो ये हो गया आपके पास एक आंसर कि नदी का वेग, ठीक है ना, ठीक। तो ये हो गया पहला आंसर आपके पास, कहाँ पर था ये, जल में जल प्रवाह की चाल होगी आपके पास 12 मीटर प्रति मिनट, ठीक। उसके बाद चौड़ाई ज्ञात करें अपन और सापेक्ष वेग निकाला वी एम आर। तो दूसरी कंडीशन दे रखी न्यूनतम दूरी के लिए, न्यूनतम दूरी, तो देखिए न्यूनतम दूरी की बात करें तो न्यूनतम दूरी के लिए एक डायग्राम बनाए फिर से, है ना, जो आपको कंडीशन है कि आपके पास ये है और न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, डी हो सकती है ना, जो नदी की चौड़ाई है, ठीक। तो अगर आदमी यहाँ से थीटा एंगल पे जंप करता है, वी एम आर कहते हैं जिसको, आदमी का वेग नदी के सापेक्ष, और ये हो गया थीटा, ठीक है ना, तो इसका एक घटक इधर आएगा और एक घटक इधर, ये आएगा वी एम आर साइन थीटा, वी एम आर साइन थीटा, और इधर हो जाएगा वी एम आर कोस थीटा, ठीक है, और इधर क्या आपके पास वी आर है। तो अगर आपको समय दे रखा है यहाँ पे, समय क्या होता है दूरी बटा चाल, तो यानी कि जो समय हो गया टी, इसको टी टू कह देते हैं ना, तो दूरी कितनी डी, और कौन पार कराएगा इस बार, वी एम आर कोस थीटा, ये घटक,
तो वी एम आर कोस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से टी टू का मान भी दे रखा है 12.5 मिनट में ना, तो बराबर हो जाएगा डी बटे वी एम आर कोस थीटा, ठीक है। ये मान लेते क्वेश्चन नंबर दो हो गया आपके पास, ठीक ठीक है। और अपन आपके पास डी की वैल्यू एक और है 10 VMR के बराबर, तो यानी कि आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि 12.5 बराबर हो गया वी एम आर इंटू 10 बटे वी एम आर कोस थीटा, वी एम आर कोस थीटा। तो यहाँ से वी एम आर कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो गया 10/12.5, 10/12.5, ठीक है। पॉइंट हटाए तो 125 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4/5। तो कोस 4/5 किसका मान होता है, कोस 53 का, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास थीटा का मान आ गया 53°53°, ठीक है। और यहाँ से देखिए अगर न्यूनतम दूरी की, तो ये वी एम आर साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, वी आर के बराबर। तो यहाँ से वो लिख सकते हैं अपन वी एम आर साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह साइन 53 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, वी आर। और रिवर वेलोसिटी कितनी आई थी आपके पास यहाँ पे, 12 मीटर प्रति मिनट, है ना, 12 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ से आपके पास वी एम आर का मान आ गया, साइन 53 कितना होता है आपके पास, 3/5, तो 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट। तो आपसे ये भी पूछा होता है, ये हो गया आपके पास दूसरा आंसर, ठीक है। तो आपसे पूछा था आदमी का या नाव का नदी के सापेक्ष वेग कितना आ गया, 20 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। और तीसरे पार्ट की बात करते हैं, अपने को चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए नदी की चौड़ाई के लिए आपके पास इक्वेशन है डी बराबर कितना है, 10 VMR। तो आपका वी एम आर आ चुका है, यानी कि यहां से चौड़ाई निकाले अपन नदी की, डी की वैल्यू चौड़ाई, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास वी एम आर जो कितना है 20, और इंटू टाइम कितना लग रहा है 10, तो ये हो गया 200 मीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास तीसरा आंसर। ओके थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।